हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। आज मैं SBI PU का एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। स्मार्ट कीड़े पर आएगा ये मॉक टेस्ट और एग्जाम बेस्ड वाला इन लोगों ने बोल रखा है जैसा कि लिखा है। तो 60 नंबर वाला जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है फ्री रहता है, आप लोग चाहो तो वहाँ जाके लगा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके एग्ज़ाम देख सकते हो कि मेरी अप्रोच कैसी रहेगी, है ना। 60 मार्क्स तक का मैं 60 से 65 मार्क्स तक का लेके चलता हूँ और फिर देखते हैं कितना स्कोर करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को भी लगाना है तो जाके लगा सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्मार्ट कीड़े का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, इनके अगर 1 साल का प्लान अगर आप लेते हो 10% ऑफ मिलेगा आपको, अगर आप ये अलग कूपन कोड यूज करते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे आज मैं SBI PU का प्री का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। ये स्मार्ट कीड़े का एक मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्योंकि इसके मॉक टेस्ट मेरे पास बचे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट है, तो इसी को लगाने का ट्राई करेंगे आज हम लोग। 16 मॉक लगाएंगे, ठीक है। तो आज इसको लगाते हैं और मैं यहाँ पे पूरा सेटअप लेके बैठ गया हूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा कि क्या प्लान है मेरा, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे को, है ना, और क्या विजन रहना चाहिए जब हम लोग SBI PU का एग्जाम देने जाएंगे। तो मतलब कुछ तो टारगेट लेके जाएंगे ना कि कितना अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ क्या जा सकती है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये 16 वाला मॉक टेस्ट लगाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। कि पहले तो इंग्लिश आएगा, है ना, इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा और रीजनिंग आएगा, ठीक है। ये 3 हमारे सब्जेक्ट है जो आएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं ये ट्राई करूंगा इसमें कि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है, और ट्राई करूंगा कि 90% एक्यूरेसी मेरी रहे इसमें, ठीक है। क्वांट में भी मैं ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग में पूरा ट्राई करूंगा कि 30 क्वेश्चन करूं। मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि क्वांट और रीजनिंग को लेकर कि यहां पे मेरे 50 अटेम्प्ट हो जाए, 50 मार्क्स आ जाए, अटेम्प्ट चाहे ऊपर नीचे हो जाए लेकिन 50 मार्क्स मेरे आ जाए, ठीक है, ताकि मैं जो बचे हुए मार्क्स है वो इंग्लिश से कवर कर पाऊं। क्योंकि इंग्लिश की, भाई देखो, मेरी थोड़ी वीक है इंग्लिश, एज यूजुअल सबकी होती है, मतलब सबकी नहीं होती लेकिन ज्यादातर लोगों की होती है, ठीक है। काफी परेशानी झेलनी पड़ती है मुझे इंग्लिश के चक्कर में ही। तो इंग्लिश में यही सोच रहा हूँ कि हाँ भाई 20 मार्क्स का करेंगे, अगर 15 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं तो भी मेरा मतलब 65 जो मैं टारगेट लेके चलता हूँ, 60 एवरेज की तरह, तो वहां तक अचीव हो पाएगा, ठीक है। और पिछले साल की कट ऑफ भी आपको सबको पता है, 63 गई थी जनरल के लिए, OBC के लिए 61.25 समथिंग गई थी। तो इसीलिए मैं यही हिसाब लगा रहा हूँ, जबकि पिछली बार 2000 वैकेंसी थी और इस बार सिर्फ 1675 वैकेंसी है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 60 के आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है इस बार भी, ठीक है। तो ये मान के चलने के बाद तो मैं 65 के आसपास या फिर 70 आसपास अटेम्प्ट करूंगा, और एक दो गलत चले जाते हैं तो फिर उसको हम देख लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये 16 वाले पे ही। एग्जाम पैटर्न बेस्ड बोल रखा है इन लोगों ने, तो उसी को लगाने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितना एग्जाम बेस्ड है, है ना। और आप लोग चाहो तो आप लोग भी जाके लगा सकते हो क्योंकि ये वाला फ्री मॉक टेस्ट है। तो इंग्लिश वाला मॉक टेस्ट है, इंग्लिश में ज्यादा लिखना तो पड़ता नहीं है मुझे, सिर्फ एक्सप्लेन करता रहूंगा जो जो मुझे दिखता रहेगा। और हम लोग अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो मेरे साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, पॉज करके या फिर कैसे भी करके मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपने आंसर मैच कर सकते हो और फिर लास्ट में तो आपको एनालिसिस दिख ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया मैंने, सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये एरर डिटेक्शन आ गया है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छूना है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो अवगर के बारे में कुछ बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है और इसमें से कौन सा एरर है, गेनिंग कंट्रोल एन नहीं आएगा यहाँ पे, ये मुझे एरर लग रहा है, बी पार्ट में जो एरर लग रहा है मैंने इसी को टिक कर दिया है। आगे चलते हैं, तो अभी एरर छोड़ देते हैं ना, एरर छोड़ देते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, बाद में अगर टाइम मिलता है तो एरर करेंगे। RC आ गई तो RC को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं RC में क्या करता हूँ कि ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है इसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और तो उन लोगों ने डायरेक्ट पूछा गया कि यूएन का जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड मार्च 21 एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट क्यों मनाया जाता है, बस इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट लाइन यही लिखी गई है मेरे हिसाब से, तो रेज अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट, है ना, इतना ही बोला गया है इसलिए मैं टिक कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो,
आसानी रहती है क्वेश्चन इनके आंसर ढूंढने में। पहले अगर आपका क्वेश्चन माइंड में है तो आप उसी को कीवर्ड लेके आंसर ढूंढ सकते हो। बट इनक्रेज्ड, ठीक है। अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, है ना? आप भी पढ़ सकते हो, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। और तो इसके बाद फॉरेस्ट के बारे में बताया गया ज्यादातर। फॉर द डेकेड्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीज एन एफर्ट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर थ्रू द ट्री प्लांटिंग। इंडियन इंडियन लोग बिलियंस ऑफ रुपीज उड़ा रहे हैं क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं कि ग्रीन एरिया कवर हो पाए बाय प्लांटिंग ट्री। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नेशनल एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड लॉन्च एम्बिशन ऑफ इतना करोड़ लोगों ने एक बजट एलोकेट कराया एफॉरेस्टेशन के लिए, जिसमें 13 मेजर रिवर्स आएंगी, उनको भी मतलब ये लोग सही करेंगे। Why campaign are encouraged? तो ये हमें लाइन दिख गई है, encouraged to organize activities such as tree planting campaign to help increase the green cover, to help the increase the green cover, tree planting, conserve biodiversity, ये भी है। मतलब ऑप्शन ए बी सी ये फाइट, ऑप्शन ए और बी तो है तो ऑब्वियसली ये अलग ऑप्शन मार्क करना ही पड़ेगा। ये भी देख लेते हैं, टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, है ना? हाँ, एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। ये देखो तीनों ऑप्शन, तीनों जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इसको मार्क करके आगे बढ़ता हूँ। एफोरेस्टेशन के बारे में क्या बोल रखा है इन लोगों ने, इंक्रीज कैन नॉट इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ रॉन्ग एरिया आर सिलेक्टेड फॉर प्लांटेशन, क्या होगा अगर प्लांटेशन के लिए गलत एरिया चुन लिया जाए, ठीक है? तो यहां तक पहला पैराग्राफ पढ़ा था, वहां पर मुझे कुछ दिखा नहीं था, मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। इफ रॉन्ग एरिया आर सिलेक्टेड फॉर प्लांटेशन, देखो मुझे दिख गया ये पॉइंट, इफ रॉन्ग एरिया सिलेक्टेड फॉर प्लांटेशन द नेचुरल हैबिटेट मे बी गेट ऑल्टर्ड विच कैन कॉज हैबिटेट स्पेशलाइज्ड स्पीसीज टू बिकम एक्सटेंट। पहला वाला है और एक्सटेंट, ये सेकंड वाला भी है, फर्स्ट और सेकंड तो है। द लोकल एनवायरमेंट इकोसिस्टम बिकम लेस रेजिलियंस, इसको भी देख लेते हैं, रेजिलियंट। This will make the local environment and ecosystem, मतलब all of the above है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, false बताना है आपको, great Indian bustard as mentioned in the given paragraph। तो यहां तक तो हम पहुंच गए थे, यहां पे कहीं पे मुझे the great Indian bustard नहीं दिखा था, ये दिख गया। The great Indian bustard once nominated to the Indian national bird। तो the great Indian bustard पहले nominate हो चुका है नेशनल बर्ड के लिए, तो अभी तो आपको पता है नेशनल बर्ड पीकॉक है, उससे पहले द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी नॉमिनेट हो चुका है, तो इसके बारे में फॉल्स बताना है। तो ये ट्रू है, पहला वाला ट्रू है, तो इसको तो नहीं, मतलब फॉल्स वाले पे टिक करना है मुझे। दे आर फ्यूअर देन द बर्ड लेफ्ट, ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये ट्रू नहीं लग रहा है, अभी एक्सटेंट हुई नहीं है पूरी तरह। द स्पीसी इज नाउ एक्सटेंट इन इंडिया, ये मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा है इस पैराग्राफ में, मैंने पढ़ तो लिया है आखिरकार।
तो मैं इस पर टिक लगा के आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक है टिक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। विन सिटी के बारे में बताना है, इसका मीनिंग सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स के लिए सबसे इजी तरीका होता है कि आप जाके वो पैराग्राफ खोल लो जहां पे ये वर्ड बोर्ड में लिखा हो, एक पैराग्राफ पढ़ो और फिर ये सारे वर्ड्स उसमें पुट करने का ट्राई करो। सिनोनिम्स है ना, स्क्वायर किलोमीटर इन द सराउंडिंग ऑफ दीज रिवर्स। ये सही लग रहा है मुझे, सराउंडिंग ऑफ दीज रिवर्स। विन सिटी का मीनिंग भी ये होगा। बैकड्रॉप का कोई मीनिंग यहाँ पे आ नहीं रहा है, होम का मीनिंग कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो सराउंडिंग से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लिंदा ब्लैक्स ए का हमले अभी देखा था हमने यहाँ पे। हाँ, अ क्लासिक एग्जांपल डेट वी विटनेस इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ग्रासलैंड ऑफ वुडलैंड एरियाज थ्रू ट्री प्लांटिंग, है ना। ये चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन भी सही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी सही, डिमोन्स्ट्रेशन एसी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, आरसी अब खत्म हो गया हमारा और हम लोग यहाँ पे ये वर्ल्ड रिप्लेसमेंट में आ गए। वर्ल्ड रिप्लेसमेंट सबसे इजी पार्ट ये होता है, आपको इसको ढूंढना पड़ेगा और इसको तो बिल्कुल मतलब 100% एक्यूरेसी का करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान होता है। ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो और आसान हो जाएगा। एक्शन सच एज बाइंग ड्यूरेबल विद लेस पैकेजिंग एंड बाइंग फ्यूअर और मोर प्रोडक्ट। एक्शन सच एज बाइंग प्रोडक्ट्स, बाइंग प्रोडक्ट सी ए सी सही हो जाएगा। ड्यूरेबल पैकेजिंग एंड बाइंग फ्यूअर और मोर ड्यूरेबल आइटम्स, हाँ तो ये सही हो जाएगा, एसी वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और मैंने बाकी चेक भी नहीं करा क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एसी और कहीं दिख भी नहीं रहा है, नो अरेंजमेंट होगा नहीं, इसलिए बाकी मैंने चेक भी नहीं करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड द केस ऑफ अ फादर, अ 4-year-old गर्ल विच हैज लोअर कोर्ट हैड सेंटेंसेस हिम टू डेथ आफ्टर फाइंडिंग हिम मर्डरिंग ऑफ रेपिंग मर्डरिंग ऑफ रेपिंग। ये तो कहीं ये बी नहीं आएगा, बी के साथ कोई इंटरचेंज होगा, बी के साथ मुझे तो एक ही दो इंटरचेंज दिख रहे हैं। फाइंडिंग हिम गिल्टी ऑफ रेपिंग, हाँ गिल्टी वाला सही दिख रहा है, गिल्टी ऑफ रेपिंग हिज ओन डॉटर एंड इन्फ्लिक्टिंग सीरियस इंजरीज ऑन हर पर्सन एंड मर्डरिंग हर। हाँ तो ये वाला सही लग रहा है मुझे, बी और ए वाला सही लग रहा है। आई ट्राई टू प्रेस फ्रीडम, ये ए से तो पक्का ए और बी का ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और कोई दिख भी नहीं रहा है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा नहीं यहाँ पे, टाइट तो आएगा ही नहीं। द फ्यूचर ऑफ प्रेस फ्रीडम इज नॉट जस्ट टाइट टू द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, टाइट मतलब किसी चीज को बांधना है ना। जो फ्यूचर है प्रेस फ्रीडम का वो सिर्फ फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म पे ही निर्भर नहीं है, और भी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी भी निर्भर नहीं है, और भी कई सर्कमस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का बस ए और बी आंसर है, हमें समझना नहीं है इस चीजों को। ठीक है, सेफगार्डिंग इलेक्शन इन ट्रबल आइटम, सेफगार्डिंग इलेक्शन इज इन ट्रबल्ड टाइम एंड इंश्योरिंग, सीडी वाला मुझे लग रहा है, सीडी ठीक है, इस पे तो मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं एक टाइप से। आगे बढ़ते हैं। टू सेंचुरीज एगो, एकदम सही है, ए यहीं पे आएगा। व्हेन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज एक्सप्लॉइटेड रिलीजियस डिवाइड एंड कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश टू फैसिलिटेट द थीफ एंड डिवाइड, टू सेंचुरी से वो टू सेंचुरी ए से तो होगा नहीं, तो ए वाले कट हो जाएंगे, ए वाले कट हो जाएंगे। बी और डी बचा, बी और डी को हमको रिप्लेस करेंगे। सब कॉन्टिनेंट वॉज कॉलोनाइज रिलीजियस डिवाइड वर एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश, एक्सप्लॉइटेड मतलब एक्सप्लॉइट करना। अब इसका मीनिंग मैं हिंदी में बता नहीं पा रहा हूं अभी, लेकिन बी और डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें रिप्लेस वाला सिस्टम है, इसको भी बाद में करेंगे, अभी और देख लेते हैं क्या क्या आया है। ठीक है, रीअरेंजमेंट, ये वाला जो रीअरेंजमेंट होता है सबसे इजी वाला होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड रिप्लेसमेंट इजी है और ये भी इजी होता है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं हम लोग।
साइंटिस्ट एंड एक्सपेक्टेड अबाउट अबाउट टी एफिशिएंसी ऑफ द फर्टिलाइजर एज देयर देयर हैज बीन हैवी रेनफॉल इन श्रीलंका ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। यार सही है, ऑप्शन से आओगे तो और जल्दी आसानी से बन जाएगा, है ना। डी सॉरी ओके सॉरी, और ये डी हाँ, तो मुझे ये वाला सही लग रहा है, फ्रॉम द वाइकिंग्स टू द इजिप्शियंस पीरियड। ठीक है, बाकी समझाने वाला टाइम नहीं है मेरे पास, अभी 7 मिनट बचे हैं, काफी क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। देखो बी के साथ डी जरूर बन रहा है, हाउस होल्ड बुक्स दैट वुड बी पास डाउन टू फ्यूचर जनरेशन। बी और डी हम देखते हैं, बी और डी मुझे यहां पे दिख रहा है, बी और डी, बी और डी, बी और डी, मुझे और कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहां से मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाउस वाइफ वुड ऑफेंडली मिस कैलकुलेट कंपाइलिंग देयर रेमेडी रेसिपी टू इन कंप्रेहेंसिव कॉमन प्लेस हाउस होल्ड बुक दैट वुड बी पास डाउन टू फ्यूचर जनरेशन। मैं इसी पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ। वाइल्ड फायर सॉरी इन द लास्ट इन द पास्ट डेकेड बट ये मुझे सही दिख रहा है, वाइल्ड फायर वाले के बाद वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के बाद ये इन द पास्ट डेकेड ये मेरे को कनेक्ट हो रहा है, ए और सी वाला कनेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ चुका है या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। ब्लैक लाइफ मैटर के बारे में कुछ बता रखा है, ब्लैक लाइफ मैटर इज फाउंड इंटरनेशनल प्रोमेंस फॉलोइंग द क्लिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड एक अमेरिकन था, ब्लैक अमेरिकन, जिसको जिसके ऊपर ब्रुटैलिटी करी गई थी अमेरिकन पुलिस के द्वारा, और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था, इसलिए इसलिए ब्लैक लाइव मैटर चला था ये 2020 में चला था ये। अब मुझे यहाँ पे अप्रिसिएशन कुछ लग रहा था, यहाँ पे सेंस बना था वो, लेकिन सेंस बन नहीं रहा है। अप्रिसिएशन फॉर फॉलोइंग द किलिंग, अप्रिसिएशन किलिंग के लिए नहीं होगा, लेकिन प्रमट मतलब किसी चीज का गिरना, है ना, स्टॉक स्टॉक का गिरना, या स्काउट का कोई मीनिंग यहाँ बन नहीं रहा है। स्काउट मतलब जो मिलिट्री में स्काउट्स होते हैं, और ब्लिप का मीनिंग यहाँ पे कुछ मुझे लग नहीं रहा है। नो प्लेस नो अरेंजमेंट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड पे आगे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सबका तो मीनिंग ही नहीं पता मुझे, अब जिसके मीनिंग नहीं पता उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, एक बार पढ़ देता हूँ। ब्रॉट एन अटेंशन टू मेमोरेबल अदर विक्टिम ऑफ पुलिस वायलेंस, मेमोरेबल तो नहीं आएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी ब्रुटैलिटी अमंग द विक्टिम इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल अकाउंटेबिलिटी सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट कर लेगा नहीं रहा। ब्रुटैलिटी आ सकता था यहाँ पे, या फिर क्रुएलिटी आ सकता था इन द यूएस पुलिस एंड जस्टिस सिस्टम, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी ठीक है। एक्टिविटीज जो एक्टिविस्ट जो है वो पुश कर रहे हैं उन लोगों को कि अकाउंटेबल बनो, आप लोग जवाबदेही, है ना, जवाबदेही आपको देनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों करा है ना, यूएस पुलिस को भी और जुडिशियल सिस्टम को भी। तो यहाँ पे क्रुएलिटी और या ब्रुटैलिटी का मीनिंग आएगा नहीं, लेकिन ये मतलब सेंटेंस के हिसाब से ये बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे नो रिप्लेसमेंट करता हूँ मैं।
डी का कहना था इन द केस ऑफ इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ टेलर फ्लॉयड एंड प्रूट हैव हाइलाइटेड सेवर्टी ऑफ दिस इशू। सेवर्टी मतलब नाजुकता, इसको ऐसा करके ले सकते हैं सेंस में, नाजुकता के सेंस में। और तो मुझे क्या मीनिंग पता नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये फिट बैठेगा। ऑफ द इशू प्लस वायलेंस एंड इसका बिल्कुल नहीं आइडिया है यहाँ पे क्या हो सकता है। पैरानॉइड पैरानॉइड एंड हैव प्रिवेंट नहीं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 मिनट बाकी हैं और मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो इसको मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 90% एक्यूरेसी के साथ जाएं यहाँ पे। हैज बीन मोस्ट ऑफ ऑफलाइन, थर्ड वाला हो सकता है यहाँ पे। तो मैं इतना ही अटेम्प्ट करता हूँ यहाँ पे, 21 अटेम्प्ट ठीक ठाक है मेरे, और मैं इसको कुछ ज्यादा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं इन सब चीजों के बारे में श्योर हूँ। बाकी ये सब जो है यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, एक दो मैंने वैसे भी गैम्बल करा है, इसको गैम्बल करा है क्योंकि इसका मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, एक दो मार्क्स को मैं देख सकता हूँ, लेकिन इससे ऊपर अटेम्प्ट करना तो वो निगेटिव मार्किंग चली जाएगी, तो एक स्मार्ट प्ले करूंगा मैं यहाँ पे और इससे ऊपर अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक मिनट बचा, हम लोग इस सेक्शन को सबमिट करते हैं और यहाँ पे कॉन्ट सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, कॉन्ट सेक्शन की तरफ। तो कॉन्ट सेक्शन में मेरा क्या होगा, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एप्रोक्सीमेशन, ऐसा कुछ दिखेगा, तो उसको पहले करेंगे हम लोग यहाँ पे, और बाकी डीआई और फिर हम लोग अर्थमेटिक देखेंगे। तो इसको सबमिट करते हैं फिर। ठीक है, तो डीआई आ गई है पहले, तो डीआई बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, लेकिन देख लेंगे, स्किप करूंगा मैं अभी डीआई। और अर्थमेटिक आ गई है, अर्थमेटिक नहीं, नंबर सीरीज देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। चार 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 बारह 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 बीस तीस, ये कितना होगा, सत्रह और सत्रह चौंतीस, ये कितना हो रहा है, आठ, ये आठ हो रहा है, ये दस हो रहा है, ये चार हो रहा है, कोई मीनिंग नहीं, सेंस नहीं। इसे आठ कर देंगे, इसे आठ कर देंगे। एट्टी थ्री गलत लग रहा है मुझे को, 83 गलत हो रहा है। इसमें बैक साइड से जाएंगे, ठीक है, आगे से नहीं जाएंगे, बैक साइड से जाएंगे। ये आठ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 84 में से 58 गया, कितना हो जाएगा, 14 में से चला गया 6, ये हो जाएगा 7 में से, 7 में से 2 26, 26 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 49, 5 एक गया कैरी, 65, 65 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 51, 74, 5, 12, 125, 125, ये कितना जा रहा है, 20, 20, 26 और 90, 116, 216, 216 मतलब 6, 5, 4 होना चाहिए यहाँ पे और ये होना चाहिए 3, मतलब यहाँ पे 484 गलत है, बाकी सही है। छह गुना उसके बाद चार, चार गुना, चार गुना चार के बाद फिर तीन गुना, तीन चार पांच छ सात, इसको स्किप करेंगे अभी और इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। अर्थमेटिक अभी नहीं करेंगे, डीआई अभी नहीं करेंगे, ठीक है, और ये आ गया, इसको करते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन तो नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, दो ये 160 मान लेते हैं, 160 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80, 80, 80 माइनस 144, 40 माइनस हो जाएगा 184, 80 प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 6, 264,
264 गया यहाँ पे 11 में 7 सात 5 ऐसे 3 370 के आसपास 300 से दिख रहा मुझे 4x 400% है 4x 4x मतलब नहीं 4 इंटू 4 की पावर x इंटू 15 इज इक्वल टू 30 30 30 प्लस 30 हो जाएगा 959 अगर इसको ये करते 60 नीचे 15 ले आए 15 ये तो 60 आया 16 मतलब 4 दो की हो जाएगी पावर 50 40 प्लस 80 बाय 8 10 इज इक्वल टू 3 बाय 4 550 3 बाय 4 5 20 5 20 3 3 7 21 0 0 3 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
13 का मतलब 130 20% 1/5 x माइनस ये हो जाएगा 84 3/4 160 मतलब 193 हो जाएगा इधर 193 और ये प्लस में है सॉरी प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 ये जाएगा 63 इंटू 5 करेंगे 5 6 300 5 3 15 315 आ रहा है लेकिन 315 तो इसमें आ ही नहीं रहा है 13 ठीक है आगे करते हैं और ये दिख रहा है मुझे 27 × 80/48 10 × 80 = 108 10 × 40 = 1 0 6 × 3 = 3 3 × 9 = 2 5 = 45 45 1 0 8 0 मान लेते हैं 45 गया 9 × 5 = 9 यहाँ 10 लगा लेते हैं तो 9 × 5 = 5 2 × 5 = 9 9 × 9 = 9 2 = 24 ओके ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं हुआ था तो इसको छोड़ देते हैं बाद में करेंगे डीआई पे आ जाते हैं मुझे डीआई थोड़ी इजी लग रही है बाकी क्वेश्चन तो यार ठीक है तो 1200 डेटा दे रखा है सब में डिवाइड कर रखा है ठीक है और तो ये तो एकदम इजी लग रही है 6 में 40% गर्ल्स है 7 में 60% गर्ल्स है व्हाट परसेंट कंबाइंड बॉयज को बताना है टुगेदर बॉयज को बताना है 6 का 5% 5 हो जाएगा 60 60 का 60 हो जाएगा 36 ठीक है और 30 36 का 4 × 144 180 टोटल कितना है ये 6 7 8 9 10 टेबल बना ही लेते हैं यहाँ पे और ये कितना था 360 था ये कितना था 35 7 7 6 420 ये हो जाएगा 120 ये हो जाएगा 240 ये हो जाएगा 420 और 6 7 6 3 300 / 4 ये हो जाएगा 42 समथिंग है ही नहीं यहाँ पे मैन ऑफ दिस मार्क करते हैं 40 काफी दूर हो जाएगा यहाँ पे एवरेज नंबर को बताना है 8 9 10 में बताना है 8 9 10 तो 8 9 10 5 6 65 बताना है 12 6 13 13 छंग और एवरेज बताना है 30 से 2 गया 260 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8 और 9 8 और 9 में डिफरेंस बताना है 8 और 9 में 25 25 25 12 5 6 30 300 है ना हाँ 300 ही है
एकदम राइट। टेंथ क्लास का बताना है परसेंट कंबाइंड 8, 48, 50%। इन ईच 40% गर्ल्स हैं तो हायर बताना है। हाईएस्ट बॉयज किसमें होंगे? हाईएस्ट बॉयज 8th में होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर, जिसमें सबसे 40 है तो इसका सबसे हाईएस्ट ही होगा। ठीक है, एक और डीआई देखी थी मैंने, एलडीआई देखी थी, इसको भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। टोटल टोटल पॉपुलेशन बता रखी है इसमें, परसेंटेज ऑफ इलिटरेट बता रखा है, तो इलिटरेट बता रखा है, बचे हुए फिर होंगे लिटरेट होंगे, बचे हुए लिटरेट होंगे फिर, है ना? हाँ, बचे हुए लिटरेट होंगे, तो इसको भी हम इसका टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, ताकि मेरे लिए डेटा निकालना आसान हो जाए। यहाँ टोटल लिख लेंगे, यहाँ पे लिटरेट, यहाँ पे इलिटरेट। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल लिख लेता हूँ मैं, जो कि हंड्रेड्स में है। 1200, 4000, 2000, 4000, ये कितना है? 3200। परसेंटेज दे रखा है, इलिटरेट का दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, ये हो जाएगा 36% हो जाएगा, 20 का जाएगा 720, बचा हुआ यहाँ आ जाएगा सी आ जाएगा यहाँ पे 720, 80 19 में से 1280। ठीक है, 40% मतलब 480 बचा हुआ, 486 720, और ये कितना हो जाएगा? 24%, 24% मतलब 24 9 6 0 बचा हुआ यहाँ जाएगा, कितना जाएगा? 4 4, तो 1000 हुआ, 3040, और ये कितना है? 32% है, 32% मतलब 640, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 9 9 6 0 6 4 6 4 0, 10 कैरी गया, 1 0 6 0, तो मतलब क्या हो रहा है मेरे को? 32 बचा हुआ 68, 16 कैरी गया, 1 3 6 0 1 3 1 3 6 0, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने काफी गड़बड़ कर दी है अब यहाँ पे, और बहुत स्लो स्पीड हो गई है। 16 16 चौके 16, तो 40 × यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले देता हूँ, यही गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार, मैं पूरा पूरा डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, और 32, चलो देखते हैं अब यहाँ पे लिखते हैं, बार बार टेबल बनाना बेकार हो गया मेरा। यहाँ पे रेशियो लिटरेट बताना है, लिटरेट बताना है ए का टू लिटरेट सी से, सी का सी से 4 की टेबल्स काटा, 4 3 4 2 4 4 7 2 4 2 4 6 16 38 8 19 8 19। ई में इफ ई फीमेल ट्वाइस, इफ विलेज ई द फीमेल इज ट्वाइस इलिटरेट पर्सन, ये फीमेल हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ मेल्स बताना है। 20, 9 में से 2 गया 7, 720 लास्ट में आएगा ये रहा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, सॉरी सी सी डी एफ इलिटरेट बताना है, सी डी एफ में कितने? एफ में 40%, 32 का 4 2 8 1 2 8 0, 10 कह गया 1 10, 8 कह गया 1 2 8 8 0, 9 जा 6 जा 9 60 9 60 9 60 9 60। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन एंड डी इलिटरेट लिटरेट सॉरी लिटरेट पर्सन एंड डी एंड लिटरेट पर्सन एंड बी 4 640। सी इफ 40% टोटल इलिटरेट आर फीमेल, नंबर ऑफ इलिटरेट लिटरेट मैन, लिटरेट मैन बताना है, लिटरेट कितना है? या इसमें 40 तो 6 है,
6 8 48, 6 2 12, 4 16, 6 1 6 और 1 7। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा सी में बताना है, सी में यार गलती कर रहा हूँ मैं बार बार। 6 24 6 18, हाँ यही है यही है। अब देखते हैं शिवानी, शिवानी 30% वर्क, 30 30 30 130 दिन में पूरा करती है शिवानी। तनु, तनु इज 20% लेस एफिशिएंट देन शिवानी, 20% एक बार 4 लेस, मतलब 4 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 0 टोटल हो जाएगा। उर्वशी इज 20% 100% मोर, 100% उर्वशी तनु से है। टोटल में कितना दिन में काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 3 13 13, मतलब ये हो जाएगा 4 दिन, 40 दिन में, सॉरी 40 घंटे में, सॉरी 40 घंटे में हो जाएगा। साठ किलो इधर है, ये 140 है, 25% है ये, मतलब 5 किलो 115 23 23 चौके 12 8 92 92 8 48 हो जाएगा 40, 40 में से 40 में से 8 गया, 40 में से 8 के 32 जाएगा, ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, तो चीपेस्ट चीपेस्ट कॉस्ट चीपेस्ट की कॉस्ट इतना है, तो ये जाएगा 38 38, 3 8 24 3 3 9 9 2 1 1 4 1 1 4। दस इंटू 30 130 प्लस 1/5 x -84, 3/4 21 63 160 63 3 6 12, यही गलती हो गई थी मेरे से, 130 तीन और तीन इधर आ गया, 2 और 7 93, 450 15 465। तीनों पोर्ट 24 है, 8 है, 180 डाउनस्ट्रीम ले जाना है, कम बैक भी लाना 180, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 और 4 4 8 जा 4 90 45 45, 2 की टेबल से काटेंगे, 2 8 जा 2 9 जा 135 बाय 8, 8 1 8 8 5 5 8 6 48, 5 5 5 2 2 और 5 7 7 पॉइंट लगाए जुड़ है 8, ये जाएगा ये चीज। 20 क्वेश्चन हो गए और मैं देखता हूँ कौन सा कर लेता हूँ। पर्सन रीच होम 20 मिनट लेट इफ यू ड्राइव 30 किलोमीटर पर आवर, इस टाइम पर पहुंचना है 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, इस टाइम पर पहुंचना है ये 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है 60 में, बीच का डिफरेंस 30 40 मिनट के लिए, और ये हो जाएगा 4 2 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा 45 45 45 45 45 तो है नहीं,
सर्कुलर फील्ड फोर्टी एट ओके। तो फिर यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली जितने मुझसे हो पा रहे हैं मैं उतने कर रहा हूँ, और उसे लॉस हुआ है। और उसने ठीक है, मुझे यहाँ पे अब कुछ आ नहीं रहा है यार, 21 करती है ठीक है, और मेरे दिमाग में अब कर सकता हूँ मैं इसको क्वेश्चन, लेकिन अब शायद परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में, और ये केसलेट तो मैंने छोड़ ही दी है पूरी पूरी। इसका आंसर यार 45 ही आ रहा था, लेकिन चलो ठीक है, हम लोग रीजनिंग के सेक्शन पे चलते हैं अब ठीक है। रीजनिंग का सेक्शन बचा है हमारा, और इसमें गेन करने का ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स। तो यहाँ से रीजनिंग सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है, तो पजल तो नहीं करेंगे अभी पहले, ये भी पजल है, ब्लड रिलेशन। फ्यू रोज आर ग्राफ्स, नो ग्राफ्स इज प्लांट, ओनली फ्यू प्लांट, ओनली फ्यू प्लांट इज बैग, ऑल रोज आर बैग, कांट से सम प्लांट आर बैग, ऑल सम रोज आर नॉट प्लांट। यस, लास्ट के दो सही है, लास्ट के दो सही है। सम प्लांट इज ट्री, नो ट्री इज फैन, सम फैन इज चेयर, सम प्लांट आर फैन, कांट से ऑल चेयर बीइंग प्लांट, ऑल चेयर बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी। यस, सम चेयर आर ट्री, नोप, सेकंड वाला ट्रू है, ओनली सेकंड। सम प्लांट आर फैन नहीं, सम ऑल चेयर बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी। यस, सम चेयर आर ट्री नो, सेकंड वाला ट्रू है सिर्फ। सम लेटर आर वॉवल और सम वॉवल आर वर्ड, सम कॉन्सोनेंट आर वॉवल, सम लेटर आर वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। यस, नो वॉवल इज कॉन्सोनेंट, गलत। सम कॉन्सोनेंट बींग लेटर इज अ पॉसिबिलिटी। यस, तो फर्स्ट और थर्ड पजल आगे पजल अभी। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पे पजल ही पजल भरी है, और ये वाला इनक्वालिटी आ गई है, इनक्वालिटी कर लेते हैं। ओ एच ऐसे गए, पहला सही है। जे जैसे यू, जैसे यू गए यू, यू यू जैसे, जैसे जैसे एस एस गए, ऐसे यू नहीं आ सकते, पहला सही है सिर्फ। एम 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 से जे गए, एन से जे गए जे, एल 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 से आगे एम, क्यू क्यू एम से जे गए जे से आगे जा नहीं सकते, डब्ल्यू 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 से डब्ल्यू से एल गए, एल एल जे गए जैसे, नहीं नीदर नॉर। बी से एफ, बी से एल, एल सी, सी सी से सी से आगे जा नहीं सकते, जी 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 से सी, जी से सी, जी से बी, जी से सी, जी से सी, जी से बी ठीक है। जेड, जेड बड़ा इक्वल टू जेड इज बड़ा इक्वल टू क्यू, जेड इज बड़ा इक्वल टू क्यू, ए इज एस एस ए जेड, ए जेड वाई 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 वाई, ए जेड जेड एस, सेकंड वाला ट्रू, ए जेड जेड एस, जेड बड़ा इक्वल टू हो नहीं सकता। एफ P इज बड़ा टू, P इज बड़ा टू, C C C C नहीं है, F F बड़ा टू, A G
एफ बड़ा टू सी, एफ बड़ा टू ए, एफ बड़ा टू गलत गलत, ये दोनों और। वरुण, वरुण स्टार्ट वॉकिंग सी टूवर्ड साउथ, पॉइंट सी टूवर्ड साउथ, 4 मीटर साउथ क्यू, देन ही टुक राइट राइट, देन ही टुक राइट फ्रॉम क्यू एंड वॉक थ्री, देन ही तीन वॉक करा, उसके बाद उसने वाई पे आया, देन ही टेक हिज राइट वाई, 4 6 डी, देन डी से 5 नॉट, 5 एंड गया है आफ्टर टेकिंग हिज राइट, 5 चार लेफ्ट के ही मूव 8 टुवर्ड्स यू आफ्टर टेकिंग 8, 3 5 3 5 3 के, देन ही मूव यू आफ्टर टेकिंग लेफ्ट 8, 4 यहाँ पे 4 चार यहाँ पे, चार यहाँ पे 8, 4 यहाँ पे, चार यहाँ पे, तो यहां पे आ जाएगा यू, सॉरी यू यहां पे होगा, जेड यहां पे होगा, 6 6 2 जे, ये 9 है, नौ 5 पी यहां पे आ जाएगा, 5 इसमें ज्यादा टाइम लग गया मुझे यहां पे। नॉर्थ ईस्ट ऑफ जे, जे से नॉर्थ ईस्ट में कौन है, डी है, के एन 1 2 3 4, 4 लोग हैं। जेड विज रिस्पेक्ट टू डी, जेड विज रिस्पेक्ट टू डी, डी से रिस्पेक्ट में जेड है, वेस्ट में साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, डी के नॉर्थ ईस्ट में के है सिर्फ, के पॉइंट के है, ठीक है। 8 पीपल ज्वाइन करते हैं, यहाँ से पजल हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पजल यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, 8 पीपल है, ठीक है, जून 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 अगस्त सेप्टेम्बर और दिसंबर, जून 30 31 30 31, 10 23 10 23, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलूंगा, के आफ्टर ओ, 5 पीपल बिटवीन पी एंड पी वॉज नॉट द लास्ट, और 1% क्यू और एल के बीच में, नो बडी ज्वाइन ज्वाइन बिटवीन ओ एंड के, तो ओ इधर आएगा, के इधर आएगा, ऐसे करके आएंगे, टी ज्वाइन कंपनी 23rd of August, एम ज्वाइन बिफोर एन एंड बट लेस देन 5% लेस देन इसके बीच में है, टी इधर आ जाएगा, टी टी पी यहाँ नहीं होगा, तो पी यहाँ हो सकता है, टी यहाँ एक बार ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, क्यू यहाँ पे ले जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू एक दो एक छोड़ के एल, तो ओ के बाद के यहाँ जाएगा, एन यहाँ, 1 2 3 4 5, एम यहाँ, ये तो गलत है, क्यू का यहाँ लेते हैं, क्यू एक छोड़ के एल, क्यू एक छोड़ के एल, क्यू यहाँ पे लेते हैं, एक छोड़ के एल यहाँ पे, 1 2 3 4 5, पी यहाँ पे जाएगा, ओ यहाँ पे, के यहाँ पे, अब सही हो जाएगा, हाँ, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी सही बनी है। 10 सितंबर एल फॉल्स होता है, 5% बिफोर एम, 1 2 3 4 5 सही है, के इमीडिएटली आफ्टर इमीडिएटली बिफोर टी सही है, क्यू और पी सेम डिफरेंट डेट्स, क्यू एंड पी सेम डेट पे है, नंबर ऑफ परसेंट ज्वाइन आफ्टर क्यू सेम बिफोर के, गलत है, ये गलत है, बाकी सही है। हाउ मेनी परसेंट ज्वाइन द कंपनी बिटवीन द डेट्स एम एम और पी के बीच में, कितने लोग, 1 2 3 1 2 3 4 4 लोग ने ज्वाइन करा है, 1 2 3 4 4 लोगों ने ज्वाइन करा है। हु ज्वाइन 23rd of December, 23rd of December, दिसंबर 23rd of December, एंड गलत बताना है, पी और एल एक छोड़ के, एम और ओ एक छोड़ के, के क्यू एक छोड़ के है, एन टी एक छोड़ के, एल एम, एल एम सेम मंथ में है, ठीक है। 7 पर्सन बैठे हैं एक रो में, 8 लोग बैठे हैं उसमें, एक वैकेंट है, ठीक है।
ओनली एक वैकेंट है, ई ई लेफ्ट है, 2%, नो बडी सीट बिटवीन पी एंड क्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नो बडी सीट टू द लेफ्ट ऑफ एल, ए इज 5th पर्सन सिट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी जी, 1, 2, 3, 4, ए यहीं पे आएगा फिर, विच इज राइट टू एफ, एफ यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, एटलीस्ट 1% सिट बिटवीन ई एंड एफ, पी क्यू, 1, 2, L यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 4, 4 पर्सन, अच्छा जी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 4 पर्सन बोला है उसने, है ना, तो इसमें से कोई एक जगह खाली होगी, यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, इसको खाली कर देंगे, ये बन गया है जी वाला। ये 4 पर्सन वाली जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5th पर्सन वाली, 4, 4 बोल रहा हूँ, 5th पर्सन वाली, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में कितने लोग बैठे, पी एंड एफ के बीच में 3 लोग, इज अपीयर इन द लेटर बिटवीन, पी और एफ के बीच में अपेयर हो रहे हैं लेटर्स जो आए हैं, पी और एफ के बीच में हो रहे हैं, पी क्यू नहीं, नहीं जीरो, दोनों नहीं हो रहे, ई एफ, ई एफ आएगा फिर इधर पी क्यू आएगा, इनके बीच में कोई लेटर है ही नहीं, तो जीरो है। Who among the adjacent to the vacant chair is E, F, P? True बताना है, Q की position with respect to G, G के respect में 1, 2, 3, 4, 4 to the left, 4 sit to the left, 4 person, देखो person वाला आगे, लेकिन यहाँ पर person आएगा क्योंकि एक seat खाली है यहाँ पे। How many person sit between L और F? L और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? People ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, 4 लोग बैठे हैं, एक vacant भी है, इसको ध्यान रखना बहुत सही से, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे। 6 6 पर्सन, 7 पर्सन, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 पर्सन बैठे हैं। ए स्कोर लेस देन मार्क्स ओनली टू फ्रेंड्स, ए स्कोर लेस देन मार्क्स ओनली टू फ्रेंड, कितने 7 परसेंट है और 7 डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो पर्सन यहां पे आ जाएगा, सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, और द वन आर आर सब्जेक्ट है मार्क्स ओनली को मोर मार्क्स ओनली टू, दो छोड़ के यहाँ पे आ रहा जाएगा, द वन लाइक आर मोर स्कोर ओनली 2%, डी स्कोर मोर देन जी, डी स्कोर मोर देन जी, डी सब्जेक्ट पी, डी सब्जेक्ट इज पी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर फ्रेंड बिटवीन पी एंड टी, तो पी और टी लास्ट में आ सकते हैं, पी और टी रेसिप्रोकल, क्योंकि इसके बीच में मैक्सिमम लोग बैठे हैं, 2% स्कोर मोर देन मार्क्स बी एंड लेस देन एफ, ठीक है, नो नो वन स्कोर लेस देन बी, बी से लेस कोई नहीं, बी यहां आ जाएगा, दो छोड़ के एफ यहां आ जाएगा, हट मच्छर आ रहे हैं, दो छोड़ के एफ यहां आ जाएगा, द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर बाय एस, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर बाय एस, ए डज नॉट स्कोर क्यू एंड यू, द वन हु लाइक आर स्कोर मोर मार्क्स देन हु लाइक यू, तो डी और पी को, डी अगर डी, अब डी और पी के लिए ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, तो डी और पी यहीं पे आएगा, क्योंकि यहां पे आएगा तो जी कहीं आ नहीं पाएगा, डी और पी, पी यहां पे आ जाएगा तो टी यहां पे आ जाएगा, और यू जो है आर के नीचे रहेगा तो यू यहां जाएगा, क्यू यहां आएगा नहीं तो क्यू यहां जाएगा, ये तो हमारा क्लियर हो गया है, और सॉरी एक ये लाइन रुक गई, जी स्कोर मोर देन सी हु स्कोर मोर देन ई, तो जी सी ई यहां हो जाएगा, हमारी पजल कंप्लीट हो गई है, हु लाइक यू, यू को कौन लाइक करता है, ई, थर्ड लोएस्ट मार्क्स 1, 2, R, आर 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 सी, हाउ मेनी फ्रेंड स्कोर मोर देन एफ, 3, 3, जी लाइक विच ऑफ दिस सब्जेक्ट, जी लाइक एस, ट्रू बताना है, ए लाइक बी, ये ट्रू है, ए स्कोर मोर देन जी, गलत, ए स्कोर लेस देन एफ, गलत, पहले सही है, सिर्फ ए सही है, अच्छा यहाँ पे दूसरी पता लगी है, यहीं पे बना देता हूँ मैं, दिखता रहेगा आपको, 14 लोग हैं, आपने सामने बैठे पैरेलल में बैठे हैं और साउथ देख रहे हैं, एच आई जे के एल एम एन साउथ देख रहे हैं, और टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऊपर देख रहे हैं,
ठीक है, आई फेस वाई हु सिट मिडल ऑफ द सीट, तो आई इधर आ जाएगा, फेस वाई, एक दो तीन, एक दो तीन, डब्ल्यू सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ वी, नीदर ऑफ सिट ओनली एक्सट्रीमेंट, तो डब्ल्यू सिट फोर टू द लेफ्ट, फोर टू द लेफ्ट, डब्ल्यू वी, एक दो तीन, डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा, के सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, के सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, एम सिट नॉट ईदर ऑफ द एंड और नॉट, एम यहां नहीं बैठेगा और एम वी के सामने नहीं बैठेगा, एम और के एडजेसेंट नेबर नहीं है, तो एम के लिए सिर्फ यही जगह बची है, टी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एंड तीन पर्सन बिटवीन टी और जेड के बीच में तीन लोग बैठे हैं, हु डज नॉट फेस टी, एक दो तीन, जेड इधर आ जाएगा, टी इधर नहीं आएगा, टी यहां पर, एक दो तीन, जेड इधर आ जाएगा, तीन पर्सन सिट बिटवीन एल और एन, हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के, तो तीन पर्सन छोड़ के एल, तो एन इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, और जे और एल नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो जे इधर आ जाएगा, पजल हमारी पूरी कंप्लीट बन गई है। एक्स डज नॉट फेस एम, तो एक्स यहां जाएगा, एक्स डज नॉट फेस एम, तो एक्स यहां जाएगा, तो पजल हमारी यहां पे कंप्लीट बन गई है, मार्क कर देते हैं। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, के इमीडिएट राइट में, के इमीडिएट राइट में जे बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स और यू, एक्स और यू के बीच में, एक दो तीन, तीन लोग बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं एक ही पॉसिबिलिटी पजल बन गई है और ये इजी पजल कह सकते हैं इसको। थर्ड टू दी, थर्ड टू राइट ऑफ एच, एच के थर्ड, एच के थर्ड, एच, एच इधर है, एच के थर्ड राइट में, एक दो एल, थर्ड राइट में, एक दो एल, अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन बैठा है, एच, चूज द ऑड वन आउट, वी एच एन एन डब्ल्यू के, तो एन एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो हमारे पास ये बचा है, इसको कर लेते हैं, ये ब्लड रिलेशन है, तो डी जो है वो ग्रैंडफादर है, टी का हु इज मेल, के हैज नो ब्रदर एंड हैज एग्जैक्टली वन नीस, तो के का कोई ब्रदर नहीं है, सिस्टर ही होगी, और उसका नीस, के हैज नो ब्रदर एंड नीस है उसकी, ओ इज अ मेल, वाई इज अंकल ऑफ जी, वाई इज अंकल ऑफ जी, हु इज अ सिबलिंग ऑफ जी, वाई इज अ अंकल, वाई इज अंकल, यू इज मैरिड टू डी, दोज हैव टू सिस्टर, टू डॉटर्स एंड नीदर ऑफ मैरिड, तो दो डॉटर हैं इसकी और दोनों मैरिड नहीं है, तो मैरिड नहीं है तो बेबी भी नहीं होगा, पी और जे फीमेल एंड हैव ओनली वन ब्रदर, पी यहां पे आएगा, जे यहां पे आएगा, वन ब्रदर यहां पे आ सकता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक और होगा यहां पे, के की नीस ये हो जाएगी, के इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ओ इज अ मेल, तो बी यहां पे माइनस हो जाएगा, यही बन रहा है मेरे हिसाब से, तो ओ विद रिस्पेक्ट टू के, ओ कौन है, विद रिस्पेक्ट टू के ब्रदर इन लॉ, ओ विद रिस्पेक्ट टू के ब्रदर इन लॉ, हु इज मैरिड टू सिबलिंग, हु इज मैरिड टू द सिबलिंग ऑफ जे सिस्टर इन लॉ, जे सिस्टर इन लॉ कौन है, बी और के हैं सिस्टर इन लॉ, और मैरिड कौन है, वाई और ओ, तो वाई यहां पे है, हु इज अमोंग फॉल्स होता ना है, जे इज आंट, जे जे इज आंट, जे इज आंट ऑफ जी, जे इज आंट ऑफ जी, तो सही है, पी इज अ डॉटर ऑफ डी, ये भी सही है, टी इज अ ब्रदर ऑफ जी, टी टी इज अ ब्रदर ऑफ जी, ये भी सही है, मेल फीमेल का रेशियो टू रेशियो थ्री, एक दो तीन चार, चार दस मेंबर छह, दो रेशियो तीन सही है, तो ये गलत है, बी इज सिबलिंग ऑफ टी स्पैन, ये गलत है, तो दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास और काफी अभी भी हमारे पास दो मिनट बचे हैं, तो इसको मैं इजी कह सकता हूँ, इस वाले पेपर को इजी लेवल कह सकता हूँ, मैं वही मैथ का थोड़ा सा मुझे लगा था लेकिन रीजनिंग में इजी कह सकता हूँ, तो कर लेते हैं यहाँ पे 18 पांच तीन, लेटर बैक और फॉरवर्ड गिनना काउंट करना है, तीन तीन तीन, 15 सात, 14 नौ, 19 पांच, 6 सात आठ नौ, 10 11 12 13, 14 15 16 17 18, 14 15 16 17 18 19,
16, 17, 18, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 3 मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 मैं मार्क करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इससे वर्ड बनाना है मुझे, है ना, इससे वर्ड बनाना है, HTRF FRDH फ्रेड FHRD FD, इसको तो मैं नहीं छेड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है। तो पेपर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे सबमिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका तो मुझे आंसर भी नहीं पता, और मैं सारे सब यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी जरूरत है नहीं मेरी। वैसे कितना मैंने कर लिया, 42 और 34, 6, 76 अटेम्प्ट, बहुत रिसेंट अटेम्प्ट है यहाँ पे, अगर एक दो गलत चले भी जाते हैं तो सही मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 72 मार्क्स आए हैं, तो कहाँ गलत गया है, इंग्लिश में 3 गलती गई है बस, बाकी सब में सही है, बाकी सब में सही है, इंग्लिश में 3 गलती गई है, ठीक है। तो काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, मतलब कहाँ गलती गई है ये तो देख ही लेते हैं। ओके, एक तो ये गलत गया है मेरा, और एक ये गलत गया है, यहाँ पे मैंने फालतू में लगा दिया था, गैम्बलिंग वैम्बलिंग करती थी मैंने, और एक मेरा रीअरेंजमेंट भी गलत गया, ये इसी को लेके कह रहा था मैं, कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही थी, डी और ई रिप्लेस होगा, डी और ई रिप्लेस होगा, शुड रिमेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन मोस्ट वाइटल गोल्स। हाँ सॉरी, तो ये आपने कुछ देख लिया है, ठीक है, आप लोग भी लगा सकते हो, आप लोग बता देना कि आपका कैसा गया है पेपर ये वाला, मेरा कुछ ऐसा गया है ये, और ठीक है, मुझे एग्जाम लेवल लगा ये, पिछले साल का आप मान सकते हो, क्योंकि इसका रीजनिंग थोड़ा सा मुझे इजी लगा, बाकी मैथ तो भाई ठीक था, मैथ ठीक था, मुझसे हिल नहीं पाते क्वेश्चन, मैंने 21 कर दिए काफी है, और 98% आए मैथ में भी, तो मतलब 21 करना भी मुश्किल हो रहा है ना यहाँ पे, तो मैं मान सकता हूँ, रीजनिंग तो मुझे इजी लगी थी, मैं अपना 100% रीजनिंग में देता हूँ वैसे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ये तो फ्री मॉक टेस्ट है, आप लोग खुद जाके भी लगा सकते हो, और बताना कि आपका स्कोर क्या आया है कमेंट बॉक्स में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको और भी मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं एक दो मॉक टेस्ट और लाने का ट्राई करूंगा। बाय बाय।